और साथियों फिर से एक नए ट्रिक के साथ आए हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर और उसको आज बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जरा देखिएगा बोर्ड पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखिए। जरा बच्चे लोगों देखो, ध्यान से बच्चे लोगों देखो, देखते देखते आंसर आ जाएगा। बस केवल आपको इसको समझना है और करना है। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में क्या है कि एक सही एक बटा दो प्लस ग्यारह से एक बटा दो प्लस ग्यारह मतलब 111 एक बटा दो प्लस 1111 एक बटा दो है। इसको सॉल्व करना है, केवल देखते देखते आंसर निकालिए। जरा फटाफट आंसर देखिएगा जय बच्चे लोगों। देखो इस टाइप की काउंटिंग अगर है आपके पास, सीरीज में काउंटिंग चल रही है, सीरीज में काउंटिंग चल रही है बेटा। देखो एक है, फिर दो बार एक है, फिर तीन बार एक है, फिर चार बार एक है। इस टाइप की सीरीज को जोड़ने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी सीरीज इस टाइप की दी है कि एक है, फिर आपका दो बार एक है, फिर तीन बार एक है, फिर चार बार एक है, डैश डैश सो ऑन, जितने बार भी दिया हुआ है आप इसको कितनी जल्दी ऐड कर सकते हैं, समझिए। देखते रहिए बस बच्चा लोगों, देखिए ये सीरीज है, जो मैक्सिमम नंबर है बस उसको ले लीजिए। चार बार एक है तो बस इसका आंसर एक दो तीन और चार आंसर आ गया। देखा बच्चा लोगों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है इसको पहले सॉल्व करना है, पर हम सॉल्व नहीं करेंगे बच्चा लोगों। पर देखो इसको कैसे करते हैं, आप केवल देखो बेटा वीडियो लास्ट तक देखो। इसके चार पांच क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप समझिए और देखिए बेटा, ठीक है। अगर समझ में अगर आपको आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना है बच्चा लोगों। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर जोड़ना है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो एक तरीके से आप कर सकते हैं क्या कि इससे इससे गुणा करना होता है, फिर ऊपर जोड़ना होता है, मतलब तीन बटे दो इस टाइप के बनाया जाता है। पर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हो बच्चा लोगों, देखो ध्यान से कि अगर फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यूज दी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस वन अपॉन टू लिख सकते हो। अगर वन प्लस वन अपॉन टू लिख सकते हैं तो इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज दिया हुआ वन है, दो बार वन, फिर तीन बार, फिर चार बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, एक दो तीन और चार, प्लस का साइन लगाया, आधा और आधा मिला एक, आधा और आधा और आधा दो हो गया, दो और ऐड कर दीजिए। इसका आंसर बच्चा कितना हो गया, एक दो तीन और कितना हो गया, छह। इसका आंसर आ गया, देखिए सीधा सीधा आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा होगा ट्रिक, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ तीन की सीरीज रिपीट हो रही है, तीन की सीरीज आप इसमें कैसे करें। वन की सीरीज रिपीट हो रही थी, एक सीरीज बना रहा था तो आपने देखा कि एक दो तीन चार लिख दिया। तीन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे वही जो करना था। देखिए तीन है, तीन बाहर कर लीजिए, बाकी जो है मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है, चार है, चार लिख लीजिए, एक दो तीन और चार। ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि एक दो तीन चार कैसे लिखा जाता है, आप लिखिए और समझिए। उसके बाद कंडीशंस में क्या है, प्लस देखिए आधा और आधा एक हो गया, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया, एक हो गया। अब इसको क्या किया, तीन से अगर तीन रिपीट हो रहा तो तीन, अगर चार रिपीट होता है चार से गुणा करते हैं, पांच रिपीट होता है पांच से गुणा करते हैं, और अगर नौ रिपीट हो रहा तो नौ से गुणा करते हैं, और इस तरीके से सीरीज बना लेते हैं। तो इससे गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद देखिए क्या होगा, क्या होगा, देखो बच्चा तीन चौके बारह, एक हासिल, तीन त्रिका नौ, एक दस, एक हासिल, तीन दूनी छह, एक सात और तीन। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पर अभी भी बच्चा हुआ है क्या बच्चा, अभी दो और जोड़ना है, दो और जोड़ लीजिए, कितना आंसर आएगा, थ्री सेवन जीरो और फोर इसका आंसर आ जाए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करो बच्चे, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करो बेटा, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चंस को, देखिए कुछ नहीं करना होता है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसको समझिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। करना क्या, जो संख्या रिपीट हो रही है उसको बाहर कर लीजिए, वो यहाँ पर तीन चार छह आठ जो भी आए वो आप बाहर कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर देखिए कितना है, चार, चार तक गिनती लिख दीजिए, एक दो तीन चार, चार तक गिनती लिख दिया, फिर गुणा कर दीजिए, तीन चौके कितना हो गया, बारह का दो, एक हासिल, तीन त्रिका नौ, एक दस हो गया, तीन दूनी छह, एक सात हो गया, तीन एकम में तीन और एक
कितना हो गया, 3 एकम में 3 हो गया, और फिर इसके बाद 1 और 1 मिलाकर 2 और जोड़ दिया, 3704 आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक क्या है कि सीरीज वाले क्वेश्चन चल रहे थे। अब जो संख्या सेम डिजिट के नंबर, बच्चा सेम डिजिट के नंबर रिपीट हो रहे हैं, और आप इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए, सेम डिजिट के नंबर रिपीट हो रहे हैं कैसे करेंगे बच्चा। देखो देखो बच्चे, केवल वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करिएगा। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, यहां पर जो है 4 के रिपीटेशन और आगे 444 444 444 444। अब क्या करें, यही सोच रहे होंगे, अब क्या करें, कुछ नहीं करें, वही करना है जो हमको आना चाहिए। अगर एक सिंपल सा तरीका बताएं आपको, जैसे मान लीजिए 2 2 और 2 और 2, इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना आता, 8 आता। अगर ये 2 4 बार दिया हुआ तो इसको हम ऐड ना करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे अगर 4 भी लिख देंगे तब भी 8 आ जाएगा। तो इसको मल्टीपल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी सेम रूल वही जो पीछे हम लोग करते आए हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 4 रिपीट हो रहा, और 4 आप चाहो तो अलग अलग ऐड कर सकते हो, या फिर क्या करो 4 into 4 4 4 कर लिया, प्लस का साइन लगा, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। आधा और आधा मिलकर कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया। अब इसको गुणा कर लिए, 4 चौके 16 1 हासिल 4 चौके 16 1 17, और प्लस का 2 और ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 178 आ गया। देखा बच्चा लोगों, आपने देखा, बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करिए बच्चा, लाइक और सब्सक्राइब बनता बच्चा। ठीक है बच्चा, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और समझिए। इस टाइप की बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक और लेके आएंगे, क्वेश्चन को बताते रहेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और अगर समझ में आ रहा है अभी बोल रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करिए बच्चा लोगों। देखिए ध्यान से, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, कोई कंडीशन में अगर कोई दिक्कत हो रही है। देखिए 444 444 444, 4 बार रिपीट हुआ है, कितने बार, 4 बार, 4 बार लिख दिया, फिर 4 से गुणा कर दिया, देखो 4 चौके 16 16, और फिर 4 चौके 16 1 17 हो गया, 4 चौके 16 1 17 हो गया, आधा आधा मिलकर 1 हो गया, आधा आधा मिलकर 1 हो गया, कितना हो गया बच्चा लोगों, 1778 हो गया। और आपने देखा और समझा इसको, और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पर 3 की सीरीज रिपीट हो रही है, पर ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत अच्छे से कायदे से देखिएगा बच्चा। देखो कितने बार है बेटा, जल्दी काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 6 बार दिया हुआ, क्या करना है, 6 लिख दिया बच्चा। फिर कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 3 3 और 3 रिपीट हो रही है। अब आगे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि आगे कंडीशन क्या बनेगा, तो इसके लिए हमें क्या है, क्योंकि सेम तो है पर ऊपर अलग अलग डिजिट दिया हुआ, 1 दिया है 2 दिया है 3 दिया है 4 दिया है 5 दिया 6 दिया, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चा, देखो देखो केवल देखो, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया बच्चा, 21/7 कर दिया, 21/7 कर दिया बेटा, इसको काट दो, 3 हो गया। आप देखो बाकी इसको गुणा करो, 6 3 18 हो गया, 6 3 18 1 19 हो गया, 6 3 18 1 19 हो गया, और प्लस का बेटा कितना है, कितना है 3, अब इसमें 3 जोड़ दीजिए। अब आप देखिए आंसर कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो, 1 9 8 हो गया, और 3 ऐड किया, कितना हो गया बच्चा, देखो 11 11 और 1 कैरी चले गया, 10 हो गया, यहां 10 हो गए, तो यहां भी 10 हो गए, यहां पर 2 हो गया, मतलब हमारा आंसर आ गया कितना, 2001। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करो बच्चे, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा बनता बेटा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अभी तक आपने देखा, अभी तक पहला क्वेश्चन जो था वो एक सीरीज में चल रहा था, दूसरा क्वेश्चन रिपीट में चल रहा था, तीसरा क्वेश्चन भी वैसा था, बेस उसका बराबर था। अब पांचवें क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तरीका क्या है, देखिए रिपीटेड तो है, यहां पर रिपीटेड है आपके पास, कोई बात नहीं, रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल देखते रहिए, देखते देखते ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पर एक चीज है, अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करना बच्चा, ज्यादा ज्यादा करना बेटा। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, वही सेम काम है, रिपीट हुआ है 1 2 3 4, आप केवल कर दिए 4 गुणे 2 2 कर दिए। ठीक, अब इनको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लीजिए, इसके बीच में एक प्लस का साइन मेंशन होता है, जो कि मेंशन दिखता नहीं आपको, हम पहले बताएं कि आप देखो 2 सही 1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, 2 और 1/2 लिख सकते हो आप,
लिख सकते हो 2 + 1/2, तो बे सेम काम वही है। फ्रैक्शन में दिया है जैसे 1/2 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, प्लस 1/12 हो गया, प्लस 1/20 हो गया। आपने देखा, देखते देखते देखिए आंसर आ जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा बच्चा। और देखो अगर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 का क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम नहीं लेने की जरूरत नहीं, आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस जो यहाँ नीचे जो वैल्यूज दी हुई है उसका ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसका डिफरेंस 1 मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? डिफरेंस 1 मिल जाए। डिफरेंस 1 मिलने पर आंसर आ जाएगा। देखो हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं, अगर हमको 1/2 को अगर सॉल्व करना तो इसको अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? आप देखते रहो बच्चा, केवल इसका ऐसा मल्टीपल बनाओ जो कि डिफरेंस 1 बने। क्या बने? डिफरेंस 1 बचे। ठीक है बच्चा, देखो 1 हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको लिखते समय छोटी संख्या हमेशा आगे और बड़ी संख्या हमेशा पीछे। अब इसको डिफरेंस में आप लिख दीजिए कैसे? 1 - 1/2। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो बच्चा क्या आ रहा, इसको सॉल्व करो तो 1/2 आएगा। एलसीएम कितना बेटा? देखो 2, कितना आया एलसीएम? 2। यहाँ पे हो गया 2 - 1, कितना हो गया बेटा? 1/2। देखो 1/2 आ गया, आ गया ना। देखिए कुछ नहीं करना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, भले डिजिट पे एलसीएम लेना प्रॉब्लम आती है और समस्या भी आती है, तो इस चीज को समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। हम नेक्स्ट डिजिट को ले लेते हैं, जैसे कि 1/6 है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसका डिफरेंस क्या करना बच्चा? क्या करना बेटा? डिफरेंस कितना? डिफरेंस 1 डिफरेंस होना चाहिए। इसका ऐसा मल्टीपल बनाओ, इसका मल्टीपल 2 × 3। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या हमेशा आगे और बड़ी संख्या हमेशा पीछे। अगर गलती से आपने बड़ी संख्या आगे लिख दी और छोटी संख्या पीछे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस आप इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं कि देखो 1/2 - 1/3। देखो बच्चा, देखते देखते देखो, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से चलना है। आज के कंपटीशन अगर निकालना है तो लॉजिक और प्लस बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। अब ट्रिक भी बहुत ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए लॉजिक और बेसिक बेटा मालूम होना चाहिए। पर उससे पहले अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करो बेटा। ठीक, अब आप इसको डिफरेंस देखो निकाला, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसका एलसीएम लेंगे, क्या लिखेंगे? 6। यहाँ 2 से भाग देंगे ऊपर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, तो कितना हो गया? 1/6 आ गया। देखा आपने डिफरेंस? देखा 2 का डिफरेंस, मतलब 1 का डिफरेंस बनाया 2 × 3 और उसका जब डिफरेंस निकालते वही वैल्यूज आ जाती। आते हैं क्वेश्चन पर बच्चा, क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। देखो अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो इसको सॉल्व कर ले, इससे गुणा कर लो, 8 और 8 हो गया, प्लस का साइन लिखा है यहां पर कर दिया, फिर इसको ब्रेक करोगे तो 1 1/2, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 2 और 3, क्या लिख सकते हो? 2 और 3, तो 1/2 - 1/3 लिख दिया हमने। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 और 4, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 - 1/4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 4 और 5, तो क्या लिख सकते हो? 1/4 - 1/5। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करो बच्चा। देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस पर, वैसे एक ट्रिक होता है पहला और आखिरी, पहला और आखिरी इसलिए नहीं लेते, कभी कभी बीच में डिजिट चेंज हो जाता तो उसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 और 8 किया, ठीक बचा क्या? जरा ध्यान से देखो, केवल पहला और आखिरी बच रहा, तो 1 - 1/5, इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना हो गया? देखो बेटा यहाँ 5 आ गया, 5 में से गया कितना बेटा? 4 4/5, मतलब इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 8 8 और 4/5 आ गया। आपका कितना आंसर आ गया बेटा? कितना आंसर आ गया बेटा? 8 8 8 और 4/5। आपने देखा, अगर ट्रिक समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन के शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे जो कि आपको हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आ रहा है, तो इसको करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर को केवल डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, आप इसका लॉजिक अगर नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत समस्या आएगी और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब के लिए धन्यवाद।